चलो आज हम डिप्रिशिएशन की मेथड चेंज करेंगे। प्रॉब्लम लिख लो, ऑन 1st January 1985 ये लिमिटेड एक्वायर्ड अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी फॉर ₹50,000 for a period of 3 years. Company decided to provide for its replacement by setting up a depreciation fund. The expected rate of interest on investment is 10% per annum. The sinking fund shows that an annual payment investment rupees 0.30211 at 10% per annum compound interest will amount to ₹1 in 3 years. On 31st December 1987, the investments were sold at book value. Your depreciation fund account, depreciation fund investment account and leasehold property account. Depreciation fund method of जो depreciation का है उससे हम every year annual contribution करते हैं, वो annual contribution ओपन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर जो हमें असेट्स परचेस किए, इन्वेस्टमेंट परचेस किए, उसको हम सेल आउट करते हैं और उसमें से जो पैसे आएंगे उससे हम पुराने असेट को रिप्लेस करते हैं। यानी कि जब आपको असेट परचेस करना है तब पैसों की जरूरत होती है। हम उसके लिए पहले कैलकुलेट करेंगे एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना। देखो, इफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट इज 1, then contribution is 0.30211. Therefore, amount required is 50,000. What will be amount of contribution? So 50,000 into 0.30211 divided by 1, calculate karo. It will come 15,105.50. Here are the annual contribution. हमें हर साल ओनली 3 ट्रांजैक्शन करना है। वो ट्रांजैक्शन क्या है? आपको एट द
एआरएल एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन साइड में निकालना है और पीएनएल को डेबिट करना है। सो सिंकिंग फंड अकाउंट के क्रेडिट में 1985 दिसंबर 31st बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,105.05 50,105.50 50 पैसे एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ईयर में सेंड निकाला। अभी इस साल इंटरेस्ट नहीं होगा, द अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड 1985 December 31st to bank account. This is purchase of investment 15,105.50. अब अकाउंट क्लोज करना है 15,105.50 15,105.50 1985 December 31st to balance carry down 15,105.50 1986 January 1st by balance brought down 15,105.50 सेम इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है 15,105.50 15,105.50 1985 December 31st by balance carry down 15,105.50 1986 January 1st to balance brought down 15,105.50 First year complete हो गया। अब second year annual contribution December 31st by प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने कैलकुलेट किया है 15,105.50 स्टेप नंबर टू ये ओपनिंग बैलेंस पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बाय बैंक अकाउंट दैट इज इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस 1,510.55 दो स्टेप एक एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट रेशियो इन दोनों की टोटल जो होती है उसे हम इन्वेस्ट करेंगे दिसंबर 31st टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट इन दोनों की टोटल कैलकुलेट करो वो आती है 16,616.05 ये उसकी टोटल आती है। अब अकाउंट क्लोज करना है 31,721.55 31,721.55 1986 December 31st by balance carry down 31,731.55 ये रिपीट करायचं बोलताना त्याच्यामुळे आपण परीक्षेत चुकत नाही 1987
January was 2 balance brought down 21,755 paise. Sinking fund close kela kara investment ja apan close kela total same yete 21,731.55 1986 December 31st 2 balance carried down 21,731.55 1987 January 1st by balance brought down 21,731.55 last year का थोड़ा change आया last year का annual contribution ने balancing figure ने घटा मुन अगोदर interest received December 31st by bank account interest 10% of this figure 3,172.16 interest received annual contribution आपल्याला 50,000 पाहिजे होते या 50,000 मधून ते लेस करा बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिस इज बाय बॅलन्सिंग फिगर 50,000 पाहिजे होते या दोन्हीच्या त्यातून वजा करा 15,106.29 पहा लास्ट इयरला अगोदर इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचा सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट वर नंबर 2 अॅन्युअल कॉन्ट्रीब्युशन बॅलन्सिंग फिगर ने करायचे नंबर 3 सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट बुक व्हॅल्यूला म्हणून 1987 डिसेंबर 31st बाय बँक अकाउंट सेल बुक व्हॅल्यू हीच 21,731.55 हे अकाउंट ऑटोमॅटिक क्लोज होतो 21,731.55 21,731.55 आणि आता सिंकिंग फंड अकाउंट ट्रान्सफर करतात December 31st to leasehold property account 50,000 जो balancing figure आहे तो आता या प्रमाणे आपल्याला leasehold property account ओपन करायचे leasehold property मध्ये फक्त 2 transactions असतात लीजहोल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट लीजहोल्ड प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ परचेस 1985 जानेवारी 1st टू बँक अकाउंट कॉस्ट ऑफ असेट 50,050,000 पहिल्या वर्षी फक्त परचेसची त्यानंतर अकाउंट क्लोज करा डेप्रिशिएशन असेटच्या क्रेडिटला ट्रान्सफर करत नाही कारण ही जोड अशा वेळेस आपण डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट क्रिएट केलेलं आहे 50,000 50,000
1985, December 31st, by wagons carried out 50,000. 1986, January 1st, two wagons brought down 50,000. Account close kara 50,000. 50,000. 1986, December 31st, by wagons carried down 50,000. 1987, two wagons brought down 50,000. Ani, last year la, the deferred fund accounts are balanced. As you transfer kela to leasehold property la, leasehold property category la, 5 December 1987, 31st, by depreciation fund account 50,000. Account close kara. म्हणजे आपल्याला डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट्स मेंटेन करताना किंवा डेप्रिशिएशन इज चार्ज बाय डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट मेथड तेव्हा तीन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या की पहिल्या वर्षी आपल्याला ॲन्युअल कॉन्ट्रीब्युशन किती कॅल्क्युलेट करावं लागेल. ॲन्युअल कॉन्ट्रीब्युशन केल्यानंतर प्रत्येक वर्षी तीन चिंते असतात. एक ॲन्युअल कॉन्ट्रीब्युशन सेटिंग असाईड, नंबर टू इंटरेस्ट रिसीव्ह ऑन इन्व्हेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट नंतर बॅलन्स असेल त्याच्यावर इंटरेस्ट रिसीव्ह, आणि नंबर थ्री परचेस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. परंतु लास्ट इयरला परचेस ऑफ इन्व्हेस्टमेंटच्या ऐवजी सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट असते. पहिल्या वर्षी इंटरेस्ट इश्यू नसतो आणि लास्ट इयरला ॲन्युअल कॉन्ट्रीब्युशन बॅलन्स फिगर नाही येतात. थँक्यू.